PM 1638 प्रोटोकॉल को हम PM 1638 में कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है वो टेस्ट कर रहे हैं। तो पहले हमारे यहाँ पर ये स्ट्रोक पिन है STB, STB जब लो होगी तभी क्लॉक को काउंट करा जाएगा, अदरवाइज क्लॉक डोंट केयर कंडीशन में रहेगी। और ये तीसरी पिन है डाटा इनपुट आउटपुट DIO, क्योंकि ये कीज को भी रीड कर सकती है इसलिए DIO इनपुट और आउटपुट। और अब पहले देखते हैं इसमें इन्होंने क्या, इसने क्या ट्रांसमिट करा। हाई क्लॉक पल्स पर जो है डाटा को रीड कर राइट करती है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 सेवंथ सिक्स्थ पिन पर जो है वो सिक्स्थ क्लॉक पर डाटा हाई है। तो इसको देख लेते हैं, सिक्स्थ क्लॉक पर डाटा हाई, इसको हम सेव कर लेते हैं। तो जो लोएस्ट बिट पहले जा रही है, तो यहाँ पर हम लोएस्ट से शुरू करते हैं और सिक्स्थ बिट को हम वन कर देंगे। तो 0x40 हेक्स वैल्यू 40 जा रही है यहाँ, और इसके बाद इसी तरह हम यहाँ पर काउंट करेंगे। तो पहली बिट वन हो गई, दूसरी 0 है, तीसरी 0 है, चौथी 1 है। तो पहली बिट 1 हो गई, दूसरी 0, तीसरी 0, चौथी 1 है। और इसी तरह 8th बिट है जो लास्ट बिट है वो भी 1 है। तो 8 और 9 89, 0x हेक्स कोड 89। इसका हेक्स कोड 89 में कुछ ऐसा हमें स्पेसिफिक मिला नहीं कि 89, वैसे 8 ऑफ मैक्सिमम ब्राइटनेस मे भी हो सकता है, ब्राइटनेस को पहले सेट करा हो उन्होंने। MSB MRMP देखते हैं उसको। हम यहाँ पर देखते हैं कि जो MSB1 ये डिस्प्ले कंट्रोल कमांड है, पहली कमांड क्या है 40 थी एक्चुअली। अब वैसे कमांड के आगे तो डाटा वगैरह जाना चाहिए, लेकिन अगर ये कमांड जो है सिक्स्थ बिट को हाई करती है अकेले, देन ये 89 लिखती है, तो इसका क्या मीनिंग निकल के आता है 40 और 89। तो अगर और तो ये जो है सारे 4 है, तो 40 ये सबसे पहली तो यही आती है। तो सेटिंग ऑफ रीड राइट मोड हो सकता है, मतलब शुरुआत में, और मे बी ये इसका मतलब लग रहा है मेरे को कि जो है राइट मोड लिख दिया इन्होंने, सेट कर दिया है, पहले राइट मोड रहेगा। अब उसके बाद दूसरी कमांड जो भेजी है, क्योंकि ये यहाँ पर दोबारा से स्ट्रोब को ऑन कराए, तो मुझे लग रहा है इसके बाद ये कमांड, अच्छा जब भी स्ट्रोब लो जाएगी, फर्स्ट लो हाई हो करके लो जाएगी, तो ये हाई से लो गई है, तो पहले कमांड जाएगी, हाई से लो गई है तो कमांड जाएगी। इसके आगे जो भी चेंजेस होंगे बाकी में भी एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं क्या इसी तरीके से हो रहा है। तो हाँ जी, तो यहाँ आके देखते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। तो पहले ये लगता है कि ये कमांड गई है, फिर उसके बाद कमांड गई है, ये 44 कमांड है। 44 कमांड जो है कि एड्रेस रजिस्टर के लिए होती है। इसको देखते हैं अगर क्या है, ये जैसे कि 4 और 4, हाँ फिक्स्ड एड्रेस, ये जो फिक्स्ड एड्रेस के लिए ये है 44 44। इसने यहाँ पर भी यही मेंशन करा हुआ है, अगर ग्राफ में देखें तो हाँ सबसे पहले 44 इसने फिक्स्ड एड्रेस मोड बताया। इसके बाद ये स्टार्टिंग एड्रेस भी कह रहा है 0C0 पर, यहाँ पर ये स्टार्टिंग एड्रेस दे दिया और यहाँ पर ये डाटा दिया हुआ है। एक बार थोड़ा ठीक है, तो अब वापस जाते हैं हम उस पर, क्योंकि हर बार मतलब कि जब भी ये स्ट्रोब हाई जाएगी, हाई जा करके लो होगी, तो पहला जो जो भी चीज़ आएगी वो कमांड होगी, कमांड ही होने चाहिए। उसके बाद तो फर्स्ट इन्होंने ये सेट करा है, सेकंड इन्होंने दोबारा से कमांड कोड सेट करा है।
तो पहले तो ये इन्होंने जो है राइट मोड को सेट कर दिया, उसके बाद 89 लिखा है, क्योंकि ये हमने देख लिया कि ये कैसे डाटा को रीड करना है, तो इसकी वैल्यू जो निकल के आती है यहाँ पर LS भी है तो ये 9 है, और यहाँ पर MS भी है तो 8, 89 बन के आ रहे हैं। तो 89 का क्या मतलब हुआ है इसमें देखते हैं एक बार टेबल में। 89 तो 8 वाली कंडीशन सिर्फ डिस्प्ले कंट्रोल वाले में है 8, तो MS भी यहाँ पर हाई है। तो ये है डिस्प्ले कंट्रोल 8 और 9। 9 कहाँ पर, 9 कहीं दिख नहीं रहा है वैसे, तो डिस्प्ले ऑन के लिए है ये बिट, तो डिस्प्ले ऑन हो जाएगा इससे। तो मेरे ख्याल ये डिस्प्ले ऑन करा गया, सिंपल सी बात लग रही है इसमें। तो इसको हम टेस्ट करेंगे थोड़ी देर में।